हमें इस बात की खुशी है कि माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने एक समिति का गठन किया है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक और सांसद और कई पदाधिकारी झूठे प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थकों और नेताओं पर लगाए जा रहे हैं, जबकि हमारे शिकायत पर कोई काम एक्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रीगणों ने पद लेते समय संविधान की और ईश्वर की शपथ ली थी कि निष्पक्षता से काम किया जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। और दुख इस बात का है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस भारतीय संविधान और न्याय और नियम और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और झूठे प्रकरण बनाने में सहयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया जिले का, जो कि माननीय गृह मंत्री जी, जेल मंत्री जी, कानून मंत्री जी और न जाने कितने और मंत्री उनके पद है मैं नहीं जानता, नरोत्तम मिश्रा जी के पास प्रवक्ता भी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के खास प्रवक्ता आजकल नरोत्तम मिश्रा जी हैं, उनके जिले में 50 से ज्यादा झूठे प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। वही तो प्रकरण दर्ज कराते हैं, वही जेल में उत्पीड़न कराते हैं, यहां तक कि एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो भी ब्राह्मण, उसको सीवेज का पानी पिलाया गया जेल के अंदर, सीवेज का, और जमानती नहीं हो पाती। लॉ मिनिस्टर है, हम इस पर किसी का वो नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी को उन्होंने उनके प्रभाव में है, मैंने ये कह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जमानत क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है कि हाईकोर्ट में भी केवल एक ही जज साहब के पास हमारी बेल प्रकरण हमारे पास जाते हैं। इन सब बातों को लेकर इस समिति ने तय किया है कि तहसील स्तर के रेवेन्यू केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रशासन ने, पुलिस ने जो झूठे प्रकरण हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के खिलाफ लगाए गए हैं, उनके बारे में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से जाके मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम दतिया जिले के सारे प्रकरण तैयार करेंगे। और राजेंद्र भारती जी जो चुनाव लड़े थे, केवल 3,500 वोट से हारे थे, 2,500 वोट से हारे थे, जो कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और 1977 में इनके पिता और हम लोग साथ में एमएलए बने थे, श्याम सुंदर श्याम जी, इनके पूरे परिवार पर झूठे प्रकरण और ऐसे प्रकरण बना दिए कि जिनसे उनकी मुलाकात नहीं, उनसे शिकायत करके उनके ऊपर केस लगा दिया, जेल भेज दिया, जमानत नहीं होनी, बड़ी मुश्किल से जमानत करवाई। दतिया जिले के केसेस को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे दतिया जिले के उत्पीड़ित परिवार को हम इकट्ठे करेंगे, ले जाएंगे, और उसके बाद कमलनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं के खिलाफ प्रकरण हुए हैं सागर संभाग में, चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में, पब्लिक मीटिंग हम वहाँ करेंगे।